सेंचुरी स्पीकिंग एज वेल, हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। साथ ही कम रामायण के अंदर एक लीला आती है, समुद्र मंथन की लीला। अब समुद्र मंथन की जो लीला हुई, तो आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई चीजें निकली, तो उसमें से अमृत भी निकला। अमृत निकला तो भगवान विष्णु, जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा, अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है, तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके घुस के जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, कहते अरे ये तो राक्षस है, ये तो राहु केतु। अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है, पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ से जहाँ मांसपेशियाँ गिरी वहाँ से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है, लेकिन क्योंकि अमृत के टच में आ करके हुआ ऐसा, इसीलिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन क्योंकि है तो वो राक्षस का खून, राक्षस की हड्डी, तो इसीलिए उसके अंदर तामसिक क्वालिटीज भी होती हैं प्याज लहसुन में।